चलो भाई बैठ जाओ, कई गाड़ी आ जाए निकल जाओ, चलो। नमस्कार, भारत के सभी नागरिकों को मैं एक आज अपील करने के लिए इस फेसबुक लाइव के माध्यम से देश के सारे लोगों को ये वीडियो को स्पेशली पार्ले जी कंपनी तक पहुंचाने के लिए अपील कर रहा हूं। ये वीडियो आज शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो ये चीज आपको दिखाने जा रहा हूं वो शायद आपको कोई नेशनल टीवी, नेशनल चैनल या कोई मीडिया या कोई बड़ी न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलने वाली नहीं है। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, स्पेशली पार्ले जी को इस कमेंट बॉक्स में टैग करें, ताकि पार्ले जी तक, पार्ले जी के ओनर तक ये बात हमारी पहुंचे कि पार्ले जी के जो बिस्कुट बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, कौन बनवाता है और उनके वर्करों के साथ क्या हो रहा है, ये सारे भारत के लोगों को पता चलना चाहिए। क्योंकि भैया भैया चलो फटाफट चलाइए सारे लोग, ये पिछले 40 दिनों से पार्ले जी कंपनी का जो प्रोडक्शन होता है, जो स्वीटको फूड इंडस्ट्रीज है जो कि पार्ले जी के बिस्कुट बनाती है, उनके वर्कर है पिछले 10 साल से, 15 साल से, 12 साल से ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और तनख्वाह के नाम पर इनको उल्लू बनाया गया है। भाई कितनी सैलरी मिल रही है तुमको, कितनी मिलती है लास्ट? 355। कितना घंटा? 9 घंटा। आप सुन रहे हो, ये पार्ले जी के प्रोडक्शन कंपनी है जो बिस्कुट बनाती है पार्ले जी की। और गवर्नमेंट का, गुजरात गवर्नमेंट की बात करूं तो स्टेट गवर्नमेंट ने अभी एक रेट जारी किया है, जो कि पिछले 3 महीने पहले जारी किया था, 1 अप्रैल को, वो रेट था 441 रुपए 8 घंटे का ड्यूटी। अभी ये लोग जब गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से ये लोग उनसे पैसा मांग रहे हैं कि हमको मिलना चाहिए, 2 महीना इनसे काम करवाया और उनको पैसा दिया सिर्फ 355 रुपया। और ये चीज गवर्नमेंट को उन्होंने लिखित में दी, लेबर कमीशन में उनको दिया, जिला कलेक्टर से, पुलिस प्रशासन, सारे जगह पर ये लोग जाके थक चुके हैं और पिछले 40 दिनों से ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। पर आज तक ना कोई बड़ा पॉलिटिशियंस, ना कोई नेता, ना कोई बड़ी मीडिया, ना ही कोई प्रशासन ये लोगों से मिलने के लिए नहीं आया, ना बात करने के लिए आया। कंपनी का ओनर बोल रहा है कि मैं पार्ले जी कंपनी या फिर पुलिस प्रशासन या के यहाँ के पॉलिटिशियन को मैं जेब में लेके घूमता हूँ। अभी जितने भी 1000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, सारे लोगों से मेरी अपील है कि पहले कमेंट बॉक्स में @ लिखकर पार्ले जी को टैग करें। ज्यादा से ज्यादा 10,000 लोग, 20,000 लोग जब पार्ले जी को टैग करेंगे तो डेफिनेटली पार्ले जी तक हमारी बात पहुंचेगी। ये जो कंपनी का ओनर है वो बहुत बड़ा चोर है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, चोर इसलिए बता रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट का रूल फॉलो नहीं करता, मुंह पे बोलता है कि मैं नहीं देने वाला, जिससे जो बनता है उखाड़ लो, फुल दादागिरी कर रहा है। यहाँ के सारे पॉलिटिशियन इसके साथ जुड़े हुए, बिकॉज ऑफ आज तक इन लोगों की बात सुनने के लिए एक भी पॉलिटिशियन नहीं आया, ना ही कोई प्रशासन आई, ना ही कोई सपोर्ट करने के लिए कोई बंदा आया, कोई नेता, कोई पार्टी वाला, कोई भी नहीं आ रहा है। पिछले 40 दिन में तकरीबन मैं 30 से 35 बार ये वीडियो बना चुका हूं, पर आज तक मिला किसी का सपोर्ट? नहीं मिला। ये सारे लोग जो बैठे हुए पिछले 40 दिन से, ये आज महीने की आखिरी तारीख है, 30 तारीख है, 30 तारीख के बाद लोग एक वेट करते हैं, वो होती है तनख्वाह। जितने भी लोग भारत में नौकरी करते हैं, 30 तारीख के बाद 2 तारीख आती है, 3 तारीख आती है, किसी को 1 तारीख को, किसी को 5 तारीख को, किसी को 7 तारीख को तनख्वाह मिलती है। पिछले 1 महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया ये लोग हर रोज आते हैं, पर इनको पता है कि ये मालिक, चोर मालिक, इनको तनख्वाह देने वाला नहीं है। देने वाला है तनख्वाह? नहीं देने वाला है। लड़ेंगे हम लोग, लेंगे, क्योंकि उसकी बाप की जो वो नियम है वो नहीं चलती, संविधान से देश चलता है और संविधान किसी के बाप की जागीर नहीं है। और संविधान की ताकत क्या है वो हम लोग बता रहे हैं, लड़ रहे हैं, हम लोग जीतेंगे भी। पर अभी मुसीबत यह है कि इन लोगों का घर कैसे चलेगा? कोई पॉलिटिशियंस को शर्म नहीं आ रही है, कोई नेता को शर्म नहीं आ रही है कि पिछले 40 दिनों से ये लोग रोड पे बैठे हुए, धूप हो, बारिश हो, पर आज तक कोई इनसे बात करने के लिए नहीं आ रहा है। सारे पॉलिटिशियन रिबिन काटने के चक्कर में बहुत बिजी है, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के चक्कर में, बड़े बड़े रोड बनाने के चक्कर में, क्योंकि वहां पे बहुत सारा पैसा मिलता है। यहाँ पे ये लोग, गरीब लोग क्या देंगे? ये गरीबों के पास कुछ देने के लिए नहीं है, इसलिए इनकी बात सुनने के लिए कोई नहीं आएगा। देगा तो वो कंपनी का जो ओनर है वो देगा। और यहाँ पे बहुत बड़ा नोटिस मार दिया कि आप लोगों को कंपनी में वापिस आ जाना चाहिए, चेतावनी है, ये है फलाना ढिकना। पर ये जो मालिक है, नोटिस में ये चीज लिखना भूल गया कि मेरे को
सरकार के संविधान के हिसाब से जो 441 रुपए सैलरी देनी है वो मैं नहीं दे रहा हूँ। वो बोल रहा है मैं देने वाला नहीं हूँ, जिससे जो कर लो, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। पर झुकना उसके बाप को भी पड़ेगा, क्योंकि संविधान हमारे साथ है। संविधान की हिसाब से हम लोग मांग रहे 441 आठ घंटा। कोई महिपत सिंह चौहान का कोई जीआर नहीं है, कोई परिपत्र नहीं है, ये सरकार ने तय किया हुआ है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सारे लोगों से अपील करता हूं कि भाई आज के इस वीडियो में आप लोगों को पाले जी को टैग करना है। भाई बदा बताना, मोबाइल काढ़ो, वीडियो शेयर करो। चलो बदा मोबाइल काढ़ो, वीडियो शेयर करो और पाले जी टाइप कर दो कॉमेंट में। पाले जी, जहां सुधी पाले जी सुधी तुम्हारी बात नहीं पहुंची है, बराबर पाले जी, पाले जी लाओ, उसे लख लो उसे। सारे लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग इस वीडियो को शेयर करें। और ये कंपनी जो स्वीटको फूड इंडस्ट्रीज खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के नडियाद के पास ये जो कंपनी आई है टुंडल रोड पर, पीच रोड पर, जो पाले जी का काम करती है, ठेका लेकर काम करती है, सारे वर्करों का खून चूस कर खुद बड़ा बन रही है, बहुत पैसा कमा रही है। दो नंबर के धंधे इसलिए बताऊंगा कि सारे, बहुत सारे लोगों को वो सैलरी कैश में दे रही है, ना ही कोई पे स्लिप मिलता है। बहुत सारे लोगों को तनख्वाह भी कैश में मिलती है, बहुत सारे लोगों के एटीएम भी आज उनके पास है। पिछले बार भी ये चीज हमने दिखाई थी, खुलेआम दादागिरी यहाँ पे गुजरात में हो रही है। पर कोई मीडिया, कोई टीवी चैनल पे, कितना साल से काम करे तुम यहाँ पे? छह साल। तुम कितना साल से काम करते हो? तीन साल। आठ साल से काम कर रहे हो? आठ साल से काम करते हो? तीन साल। पंद्रह साल से काम कर रहे हो? पंद्रह साल से। तो कोई कोई मतलब सुन ही नहीं रहा, क्या बोल रहा है मालिक? मालिक क्या बोल रहा है? मालिक तो बोल रहा है तुम आ जाओ। पर कितना में, सुनो, कितना में काम करो बोल रहा है? 400 में। कितना घंटा? 12 कलाक। सरकार का रेट क्या है? 8 कलाक 441। तो 12 घंटे का काम उसको करवाना है, वो तनख्वाह भी 8 घंटे की भी नहीं देनी है। आपने सुना, मालिक बोल रहा है किसी की बातें मत सुनो, आप आ जाओ, 411 रुपया देंगे, 12 घंटा काम करो। आज तक ये लोग 9 घंटा काम करते थे, अभी वो बोल रहे हैं कि 12 घंटा काम करो, 411 रुपया देंगे। इतना खुलेआम लूट मचा रहा है, नोटिस भी दिया है। क्या दिया है नोटिस में, क्या लिखा है? नोटिस दिया, सबको नोटिस दिया है, सबके घर पे नोटिस। धमकी दे रहा है, धमकी। महिपत सिंह के कहने से कह रहे हो तुम लोगों ने? एक मुझे ये बताओ, सब लोग सुन रहे हैं, तुमने महिपत सिंह के कहने से किया है? ये सारे लोगों को, ये जो स्वीटको फूड इंडस्ट्रीज है वो नोटिस जारी कर रही है कि तारीख 25/5/2023 से आप लोग गैर कायदेसर तरीके से 154 जो वर्कर है, का मजदूर है, वो हड़ताल लगाई हुई है, वो तात्कालिक उसको सिमट दो। और महिपत सिंह के नाम के व्यक्ति की बातों से आप आकर, अरे महिपत सिंह की बात नहीं है, ये गवर्नमेंट का नॉर्म्स है। ये जो तू अपनी मन की मन बढ़त जो कहानियां बता रहा है, तो सुन ले मेरी बात। महिपत सिंह चौहान जो तेरे को सिखा रहा है वो गवर्नमेंट का नॉर्म सिखा रहा है। शायद तू पढ़ा लिखा कम है, मेरे को पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है, तो शर्म आनी चाहिए तुझे। देश के संविधान का अपमान करते हुए, देश का बनाया हुआ संविधान को न मानकर एक देशद्रोही, तू बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चोर है, ये तू अपने आप में साबित कर रहा है। तो कोई बात नहीं, तू अपनी जोर लगा ले, अपनी ताकत लगा ले, पर तेरे बाप को भी 441 रुपया देना पड़ेगा। ये मैं जाहिर में तेरे गेट के आगे खड़ा कर बोल रहा हूँ, अभी भी मैं तेरे गेट के आगे खड़ा हूँ। तेरे में अगर दम है तो अगर बात कर ले, तेरे में कितना ताकत है मैं देखना चाहूंगा। मेरे को पता है तू अभी वीडियो देख रहा है, कंपनी का जो ये ओनर है वीडियो देख रहा है। मैं तेरे को चैलेंज देता हूँ, अगर तेरे में दम है, तेरे सारे नेता में दम है, तो एक बार बाहर के आगे आ जा और बात कर ले मेरे सामने। चल, मैं इन लोगों से, मैं दो बाहर आकर बात कर ले, तेरे में अगर दम है बात कर ले, मैं इनसे 200 रुपए में काम करवा दूंगा। भाई 200 में काम करोगे? एक बार बाहर आ जा, बात कर ले मेरे सामने लाइव में, हम लोग पूरी गुजरात, पूरा देश सुने कि तेरे में कितना दम है, तू कितना सैलरी देता है, कितना साल से काम करवा रहा है, कितना पैसा अभी तक खाया है, कितना चोरी किया है, सब मैं उगलवा लूंगा तेरे से। पर एक बार आके बात कर ले, मैं तेरे को मतलब बहुत बड़ा मर्द का बच्चा समझूंगा। ऐसे अंदर बैठकर वर्करों पर होशियारी, दादागिरी वो सब लोग करता है, पर बाहर आ जाओ, तुम्हारे गेट के सामने खड़ा हूं, मेरे को पता ही नहीं आओगे। अगर कभी भी अगर लगा कि बात करनी है
जाहिर में आकर रोड पे आकर बात करना चाहूंगा, मैं यहाँ पे दो मिनट में पहुंच जाऊंगा, कभी भी जरूरत पड़े बताओ। पर एक चीज मैं बताऊंगा कि आज का वीडियो पाले जी तक जरूर पहुंचाए, इस कमेंट में पाले जी को टैग करें ताकि पाले जी को पता चले पाले जी कैसे चोर लोगों को अपना काम दे रही है। मैं पाले जी से गुजारिश करूंगा कि बहुत पाले जी बहुत बड़ा नाम है, वो नाम को बर्बाद ना करे, बदनाम ना करे। मेरी सारे पाले जी के सारे जितने भी जो लोग है, ये वीडियो अगर वहां तक पहुंच रही है तो तुरंत ही गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के नडियाद में स्वीटको फूड इंडस्ट्रीज का लाइसेंस कैंसिल कर अपनी बिस्कुट गंदे लोगों से, चोर लोगों से ना बनवाकर, देश के ऐसे लोगों को ऐसा बिस्कुट खिलाकर चोर ना बनाए। मेरी गुजारिश है पाले जी तुरंत इसका एक्शन ले। पाले जी जब तक इस बारे में नहीं सुनेगी तब तक ऐसे चोर लोग समाज में बहुत ही आगे बढ़ते रहेंगे, और सारे नेताओं का भी इनको समर्थन है क्योंकि आज तक कोई नेता इनकी बात सुनने के लिए नहीं आया। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पाले जी तक ये वीडियो पहुंचा सकता है, दो महीना ले सकता है, वो फाइट हम लोग करते रहेंगे। पर यहाँ पर भी हर रोज फाइट करते रहेंगे, जब तक एक महीना हो, दो महीना हो, छह महीना हो, अंत तक उसको झुकाएंगे, क्योंकि चोर आज तक कभी आगे जा नहीं पाया है। चोर को एक दिन झुकना पड़ता है, उसकी चोरी जग जाहिर हो पकड़ी चुकी है, पूरा देश जान रहा है, पूरा गुजरात जान रहा है। इसलिए अगर वो ईमानदार है तो बाहर आए, बोले कि नहीं मैं ईमानदार हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मेरे गेट पर आकर मुझे चोर मत बोलो, मुंह पे चोर बोल रहा हूँ, जल रही है, जो भी हो रहा है, जो होना उखाड़ लेना। पर संविधान की शक्ति से हम लोग जीतेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा पाले जी तक इस वीडियो को पहुंचाएं, पाले जी को मेल करें, उसको बोले कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये चोर कंपनी वर्करों का पैसा खा के बैठी हुई है। धन्यवाद।